हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मंडलायुक्त दीपक रावत ने नंदूरी सेंचुरी के सुनमन थापला मंदिर, दुबेल भीरा भीड़ा, मोनोला मझोला मार्ग का पैदल चलकर चौदान तक निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि मोनोला मझोला से रीठा साहिब व आसपास के 90 गांव को जोड़ने वाली सड़क को बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों को रोजगार व आर्थिकी भी सशक्त होगी। इसके साथ ही मंडलायुक्त द्वारा नंदूरी सेंचुरी में बांस व प्राकृतिक उपज से निर्मित वस्तु विक्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। ये विक्रय केंद्र महाशिव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। विक्रय केंद्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिए घड़ी व अन्य वस्तुओं पर अर्पण की गई, जिससे उत्पादों की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। इससे स्थानीय महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के साथ ही पहाड़ी कला को भी विश्व पटल पर पहचान मिलेगी। इस अवसर पर वन विभाग के रेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों के द्वारा नंदपुर नदी में भू कटाव, सड़क आईटीआई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित आदि क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया गया। जो सड़क जारी है और काफी तरह की दिक्कतें हैं मतलब, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए। देखिए मसला इस तरह का है कि जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 1974 में ये रोड कटी थी जिसको मोरनोला में मिलना था, लेकिन इसके बाद फॉरेस्ट एक्ट आ गई और उसमें ये ड्रॉप हो गया, आगे बन नहीं पाई। और उसके बाद आज की तारीख में तो खैर वहाँ पे नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन इसमें क्योंकि काफ़ी दूर तक रोड कटी हुई है और इसके बाद जो मिडार जो गांव पड़ता है वहाँ तक अगर हम डिस्टेंस और कैलकुलेट करें तो लगभग 5 किलोमीटर की और सड़क होगी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है तो हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि रोड आधे में तो है ही और हमें टूरिज्म एक्टिविटीज़, इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ानी है, जिसमें एक तो इनकम जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और साथ ही साथ पहाड़ की तरफ से भी अगर कोई एंट्री लेना चाहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो वहाँ से भी एंट्री मिल जाएगी। तो इसको प्रयास किया जाएगा कि हम इसको बनाएं और इसका हम एज एन इमरजेंसी रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कोई मेन रोड्स बंद हो जाती हैं तो एज एन इमरजेंसी इस रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसको आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ उसको देखा। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है, नई एक्टिविटीज़ वहाँ पे इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ की जा सकती है। मगर फॉरेस्ट की दिक्कतें भी आती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसको भी समाधान नहीं इसमें अभी ये है कि क्योंकि अभी ये सेंचुरी के अंदर है तो डायरेक्टली उस पर डायरेक्टली हम सीधे कोई काम नहीं कर सकते हैं। परमिशंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, उसके तहत कोई इको फ्रेंडली काम करना है जो सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, उस पर फोकस किया। सर भू कटाव भी है यहाँ पर काफी सारे लोगों को, एक भू कटाव को मैं देखने जा रहा हूँ। नंदौर नदी का यहाँ पे एक्चुअली बहुत लंबे समय से, मैं तो इनफैक्ट काफी सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे डैमेजेस हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जो आबादी क्षेत्र है जहाँ पे नाप जमीन है उस ओर नदी मुड़ जाती है, इसकी समय समय पर ट्रेनिंग करना आवश्यक है और समय समय पर ट्रेनिंग अगर हो भी जाती है तो भी नदी बीच में आ जाती है, उसके लिए बड़े लेवल पे फ्लड प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है, उसको भी उसका समाधान किया। सर ये चोरगलिया जो मुख्य राज्य मार्ग है इसके लिए जो है जनप्रतिनिधि ने ज्ञापन दिया है तो इसको जो है किस तरीके से सर? इसमें मुझे बताया गया कि कुछ स्ट्रेच है जो कि सिडकुल के अधीन है, जिसको सिडकुल ने 3 करोड़ की लागत से रिपेयर भी किया, लेकिन उसमें गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी जिस वजह से वो दोबारा खराब हो गया। उसको मेमडी सिडकुल से टेकअप करेंगे कि अगर डिफेक्ट लाइबिलिटी में है तो वही ठेकेदार उसको दोबारा रिपेयर कर दे। और इसमें दूसरी डिमांड ये भी है कि इसको फुल टाइम पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया जाए। पीडब्ल्यूडी ने भी इसके एस्टिमेट्स बनाए हैं रिकंस्ट्रक्शन के, तो उसको भी हम आगे भिजवाएंगे। ठीक है।